बिहार से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना में राहत और जमा पानी निकालने के बाद अब डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए फॉगिंग का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया है। पटना में जल जमाव के बीच लोगों तक राहत पहुंचाने वाले पप्पू यादव ने अब राजधानी के मच्छरों को भगाने का बीड़ा उठाया है। पप्पू यादव आज पटना के डेंगू प्रभावित इलाकों में फॉगिंग मशीन के जरिए मच्छर भगाने के लिए अभियान शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आज निजी स्तर पर फॉगिंग मशीन मंगा कर अपनी तरफ से इस सेवा की शुरुआत भी कर दी है। यादव की तरफ से चलाई जा रही है फॉगिंग मशीन पटना के उन इलाकों में पहुंचेगी जहां अब तक नगर निगम की तरफ से फॉगिंग नहीं हो पाई है। पटना के मंदिरी इलाके में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज फॉगिंग सेवा की शुरुआत की। पप्पू यादव ने इसके पहले बाढ़ में डूबे पटना के लोगों तक जेसीबी और ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद से राहत पहुंचाई। जिन इलाकों में पानी नहीं निकला वहां के लोगों तक अपने स्तर से हर मदद पहुंचाई और अब उन्होंने मच्छर भगाने का जिम्मा भी उठा लिया है। पप्पू यादव ने फॉगिंग अभियान चलाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार व पटना नगर निगम की खामियों व लापरवाही को मीडिया के सामने पेश किया। स्वास्थ्य मंत्री बिहार छोड़ के मजे ले रहे हैं झारखंड, मुख्यमंत्री मजे लेंगे दिल्ली में, विपक्ष मजे लेंगे हरियाणा में। ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि बिहार किस पर छोड़ दिए, सुशील मोदी पे, जिन्होंने मारने और मरने पर मजबूर कर दिया। किसके कृपा पर इस 10 दिनों के अंदर लगभग किस तरीके से लूट पूरे पटना में मची हुई है। पदाधिकारियों के द्वारा 4 करोड़ रुपया 13 दिनों के अंदर और 2 दिनों में 24 लाख रुपये के डीजल जले, भुटको कम, सिर्फ भुटको ने 24 लाख का डीजल 2 दिनों में पानी निकालने का बिल दिया और 13 दिनों में 4 करोड़ रुपये का बिल। कहीं भी किसी भी गली में ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, सड़कों पर चूना छिड़ दी गई और कचरा डंप करने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं। 4000 से ज्यादा डेंगू पटना में फैल चुका और 2 दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके हैं पटना में। अब वकील साहब मरे तो अखबार में आया, 10 साल के बच्चे मरे तो नहीं आया। लगातार डेंगू से लोग मर रहे हैं और उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है कि ये दूसरी बीमारी से मर। मेरा सीधा आरोप है, पहले पानी से मारा, फिर बीमारी से मारा और अब महामारी की स्थिति पैदा की और सब लोग बिहार छोड़ के चले गए और कह दिया कि ये जिम्मेदारी पटना की जनता है।